ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की बहुत ही प्यारी सी पंचमी तिथि का दिन आ गया है ना, और ये वही दिन है जिस दिन में तुलसी। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 17 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने की जो पंचमी तिथि है वो आ गई है, और ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा ये है कि इस बार की जो पंचमी तिथि है वो रविवार को पड़ रही है, तो काफ़ी मैसेज आए, भैया रविवार को हम ये उपाय कैसे करें जिससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती रहे, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता रहे, है ना। तो इसी की बात हम करेंगे कि रविवार का दिन अगर पड़ गया है तो आप इस उपाय को कैसे सफल बनाओगे। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले गए तो फिर जो भी दोषी होंगे उसके आप खुद हकदार होंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको तुलसी माता का पौधा दिख रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घर में, चाहे तो गमले में या फिर ज़मीन में, तुलसी माता का पौधा होगा। अब उपाय करोगे कैसे, करने से पहले समझो कि हमें लेना कौन सी चीज़ों को है और कैसे लेना है। गन्ने का रस तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन गलतियाँ हर बार लोग कौन सी करते हैं, लोग उसमें नींबू डलाते हैं, लोग उसमें अदरक डलाते हैं, लोग उसमें बर्फ़ डलाते हैं, लोग उसमें नमक डलाते हैं। ऐसी गलती अगर आपने कर दी और किसी भी देवी देवता के मंदिर में गन्ने का रस चढ़ा दिया तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है, ठीक है। हमें गन्ने का रस का कोई भी उपाय करना हो तो सिंपल सा नॉर्मल सा गन्ने का रस लेना, उसमें कुछ भी नहीं डलाना। तो आप भी थोड़ा सा गन्ने का रस लेना। कहोगे भैया हम ऐसी जगह रहते हैं जहां गन्ने का रस नहीं मिलता, तो आपके घर में गुड़ तो होगा, तो गुड़ को अच्छे तरीके से पीस लो और उसको पानी में डाल दो, तो इस तरीके से गुड़ का पानी बन जाएगा। आपको दोनों में से कुछ भी मिल जाए ले लेना। अब देखो करोगे कैसे उपाय को। रविवार के दिन तुलसी माता के पौधे में कोई भी जल समर्पित नहीं किया जाता, वरना हमें फिर बहुत बड़ा दोष लगता है। दोष का कारण ये है कि माँ तुलसी भगवान के लिए एक निर्जला व्रत, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जला व्रत, रहती हैं, और अगर आपने भूल कर भी रविवार के दिन जल चढ़ा दिया तो फिर उनका व्रत टूटता है और आपको दोष लगता है। तो इन गलतियों से बचने के लिए एक छोटा सा काम करो, रविवार का पर्व पड़ रहा है तो सुबह के टाइम पे 10-11 बजे के आसपास में आप क्या करोगे, या फिर शाम के टाइम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक दीपक लगाओगे। लेकिन तुलसी माता के पौधे के पास मत लगाना। कहाँ पे लगाओगे, थोड़ा सा दूरी पे लगाओगे। क्या लगाओगे, दीपक, घी का दिया, गोल बत्ती का दीपक लगाना, और इसी दीपक के पास में एक छोटी सी कटोरी रख देना। आपके घर में कटोरी होगी, उस कटोरी को रखना। पंचमी तिथि के दिन कटोरी में लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने गन्ने का रस लिया है या फिर गुड़ का पानी लिया है, तो सीधा ग्लास से ऐसे डाल देते हैं 7 बार। अरे ऐसी गलतियां मत किया करिए, बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। आपको अपने हाथों में, जैसे ऐसे गिर रहा है ना, तो आपको अपने हाथों में गन्ने का रस ले लो या फिर गुड़ का पानी, 7 बार आप उसी कटोरी में गिराना, अपना नाम और गोत्र बोल। कितनी बार, 7 बार। जैसे थोड़ा सा गिराया, फिर उस कटोरी में गिरा दिया, फिर थोड़ा सा, फिर कटोरी में, फिर थोड़ा सा, फिर कटोरी में, इसी तरीके से 7 बार आपको गिराना होगा अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। कटोरी में आपने डाल दिया, अब कहोगे भैया कटोरी के अंदर हमने डाला है, अब क्या करेंगे, इस कटोरी को संभाल करके रख देना। अगले दिन यानी सोमवार के दिन जब आप सुबह उठे स्नान करके, तो इस कटोरी में जितना भी गन्ने का जल है या फिर गुड़ का पानी है, वह तुलसी माता के क्यारे में आपको समर्पित करना है। ये भी एक तरीके का अलग नियम होता है। अगर पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो गन्ने के रस का जो धन संपदा के लिए उपाय है वो आप फिर इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो काफ़ी लोग कहते हैं भैया रविवार को क्या हम परिक्रमा कर सकते हैं। आप परिक्रमा कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, तुलसी माता की दीपक जला सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, आरती पढ़ सकते हो, बट सिर्फ तुलसी माता के पौधे में जल वगैरह कुछ समर्पित नहीं करते हैं, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि गन्ने के रस का जो उपाय था आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पंचमी तिथि पे, मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि पे कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, और यह उपाय भी गन्ने के रस से करना है या फिर गुड़ के पानी से। नियम समझो, सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो फ़ायदा क्या होगा। इसका बस मात्र एक फ़ायदा है, वो है मनोकामना। हम कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो काम हमारा नहीं हो पाता, बहुत परेशान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। कितनी, 5 बेलपत्र गिन करके लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। ले लिया 5 बेलपत्र के साथ, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक सिंपल सा नॉर्मल सा गन्ने का रस लेंगे जिसमें कुछ भी डलाना नहीं है, बर्फ़, नमक, नींबू, कुछ भी नहीं, सिंपल सा गन्ने का रस लेना। अगर गन्ने का रस नहीं मिलता तो गुड़ का पानी भी इसकी जगह पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें 1 गिलास नहीं लेना है, हमें 2 गिलास लेने होंगे, चाहे गुड़ का पानी या फिर गन्ने का रस।
ठीक है, कितने गिलास, दो गिलास लेना, और इसको लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी करना हो इस उपाय को कर लेना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में पांच बेलपत्र है कि नहीं है, उस पांच बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पति का भाग होगा आपकी तरफ। पांच बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया। पांच बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जिस जगह से खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाया है उसी जगह पे खड़े होकर के आपके पास में जो दो पात्र में जल है, चाहे तो गन्ने का रस या फिर आपके पास में गुड़ का पानी है, अपने दोनों हाथों से इसी पांच बेलपत्र के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेना है। किसका नाम लोगे? त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर के आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे पांच बेलपत्र चढ़ा के अपने दोनों हाथों से गन्ने का रस या फिर गुड़ का पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी के नाम से समर्पित कर देता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है, इस उपाय को सभी को करना है। चाहे गुड़ का पानी आपने चढ़ाया या फिर गन्ने का रस चढ़ाया है, उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जरूर समर्पित करिएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये तीसरा उपाय आपको मैं अब तब बताऊंगा ना जब आप वीडियो को शेयर कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी को लाइक करना है। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले समझो इस तीसरे उपाय के फायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो इच्छा पूर्ति के लिए है ही है, साथ ही साथ जो दूसरा फायदा है वो है अगर आपके घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े, बहुत चिड़चिड़पन घर में हमेशा, मतलब अशांति घर में मची रहती है ना, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे उसके बाद करना होगा। यहाँ पे आपके सामने बेल का पेड़ दिख रहा है तो हमें जाना होगा बेल पेड़ के पास में, लेकिन जो आपने बेल का पेड़ गमले में लगाया है वहाँ मत जाना, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाएंगे और उसकी जो छाल होती है ना उस छाल को इस तरीके से निकाल लेंगे जैसा कि फोटो में दिख रहा है। ठीक है, अपने हाथों से छाल को निकाल लेना। निकाल लिया छाल को, अब छाल को जो निकालोगे एक तांबे का लोटा लेंगे, इसमें जल भर लेना और जितना भी छाल आपने निकाला है उस छाल को इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। रविवार के दिन आप इस काम को करोगे और पूरी रात रविवार के दिन अपने घर में जहाँ पे भी आप सोते हो या फिर जहाँ पे भी पूरे घर में रखना है इस कलश को ढक करके उसी छाल के साथ रख देना, ढक देना इस कलश को रात में, पूरी रात पड़ा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो सोमवार के दिन, तो इस कलश को उठाओ, इसके अंदर की जो छाल होगी उसको निकाल करके और वहीं बेल पेड़ के नीचे डाल देना। बाकी का ये जो जल होगा इसको लेंगे और मात्र एक बेलपत्र ले लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, जिसकी डंडी बाहर की तरफ, पत्ती महादेव की तरफ, और जो आपके पास में बेल की छाल वाला जल है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो जीवन के कष्ट हो, घर में लड़ाई हो रही हो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस कामना को कह देना, आपकी जो विश होगी, आपकी जो कामना होगी वो महादेव जरूर सुनेंगे और बहुत जल्द आपके सारे जीवन के जो संकट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशल सा उपाय है जहाँ पर हमें बेल की छाल को चढ़ाना नहीं है, बेल की छाल को गला करके निकाल करके हटा देना है, सिर्फ उसका जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित जरूर करिएगा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, है ना। तीन उपाय की बात कर ली है, एक छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, सबसे प्यारा उपाय है, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ काम करेगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें त्रिपुंड लगाना है, लेकिन वह त्रिपुंड लगाने का नियम इस पंचमी तिथि पर चेंज होता है। कैसे, समझो। सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा पीला चंदन, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पीला चंदन लेना, इसको पानी डालकर के पेस्ट बनाना। बना लिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पे उंगली दिख रही है, हमें यहाँ पे तीन उंगलियों का काम होगा। वो तीन उंगली कौन सी है? एक तो ये वाली उंगली, एक ये वाली उंगली और एक ये वाली उंगली। ठीक है, जो सबसे छोटी उंगली होगी उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारा अंगूठा है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन तीन उंगलियों की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें लगाना होगा त्रिपुंड, इन्हीं तीन उंगलियों में आपको अच्छे तरीके से, जो आप एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं,
जो आपके पास में पीला चंद्र है ना, आपको पीछे के साइड नहीं आगे के साइड अच्छे तरीके से आपको लगा लेना, ठीक है। पीला चंदन लगा लिया, अब इसी पीले चंदन से हमें अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाया जाता है देखो, अभी मैं आपको शिवलिंग पे भी समझाऊंगा, पहले ऐसे समझ लो, त्रिपुंड तीन लाइन में इस तरीके से बनता है ना, मानते हो बनता है कि नहीं बनता। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की दोनों लाइन है, ये वाली लाइन पहली और ये दूसरी, ये ऊपर की जो दोनों लाइनें हैं, यह आपको बनाना होगा इस उंगली से और इस उंगली से, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को ना। इन दोनों उंगलियों से ऊपर की दोनों लाइन को बनाओगे, और ये जो आपको सामने कलर कौन सा लूँ, ठीक है, और ये वाली जो आपके सामने दिख रही है उंगली, ये वाली, ठीक है, इस उंगली को नीचे की जो लाइन होगी यह आपको बनाना होगा अपनी कामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा पूर्ति को कहते हुए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से अलग तरीके से त्रिपुंड को बना देता है, महादेव उसकी बात ज़रूर सुनते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के ही है, तो उसके लिए कन्फ्यूज मत होना, जो कथा बिहार में गुरुजी की चल रही थी यह उपाय उसी कथा से लिए गए हैं, ठीक है। तो मेरी बात मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।